चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम बिहारी कवि का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले हम उनके भावार्थ और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं जीवन परिचय। बिहारी कवि का जन्म सन 1595 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1663 में हुई। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी उनके पिता ओरछा चले आए थे, जहां पर बिहारी ने आचार्य केशव दास जी से काव्य रचना की शिक्षा ग्रहण की। बिहारी ने अपने जीवन का कुछ समय जयपुर में भी बिताया और वे एक रसिक जीव थे, पर इनकी सार्थकता और रसिकता नागरिक जीवन वाली रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी था और व्यंग्यप्रिय भी थे। 1663 में उनका देहावसान हो गया। रचनाएं, बिहारी कवि ने जो रचनाएं अपनी की हैं वो मुक्त छंद, जो दोहा है उस दोहे छंद में की हैं, और इसलिए उनकी मुक्तक रचनाएं हैं। एक दोहे में एक भाव ही उन्होंने अभिव्यक्त किया है। बिहारी सत्सई नाम का एक ग्रंथ मिला है जिसमें उनके 700 दोहों का संग्रह है। कला पक्ष, बिहारी रीतिकालीन कवि हैं, इसलिए उनके काव्य में काव्य सौंदर्य का विशेष महत्व है। उन्होंने प्रमुख रूप से श्रृंगार रस को अपनाया और उन्हीं की रचनाएं की हैं। कुछ रचनाएं ऐसी भी मिली हैं जिसमें उनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। अलंकारों और बिंबों की प्रधानता उनके काव्य का प्रमुख तत्व है। भाव पक्ष, बिहारी कवि का काव्य प्रमुख रूप से श्रृंगारिक है और इसलिए श्रृंगार के संयोग तथा वियोग पक्ष का मनोहारी भाव चित्रण हमें उनके काव्य में मिलता है। भाषा शैली, बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज भाषा है, पर वह साहित्यिक भी है। उनकी भाषा में पूर्वी भाषा के प्रयोग मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का भी उनकी कविता में प्रभाव देखने को मिलता है। जहां तक साहित्य में स्थान की बात है तो हम देखते हैं कि बिहारी कवि रीति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इसलिए उनको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्होंने कलात्मक और भावात्मक सौंदर्य को अपरिमित रूप से श्रेष्ठता के स्तर पर पहुंचाया है। तो यह था बिहारी का जीवन परिचय। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।